वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब की पावन धरती के उत्ते जो सिखां लई महान है, पावन तख्त है, बड़ी अहमियत है। इस महान तखत के जथेदार की पदवी का विवाद कुछ महीनों तो चल रहा है। सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से इस विवाद संबंधी बहुत सारिया खबर लग रही हैं, जिस नाल समुचे सिख पंथ में बहुत वड्डी ठेस पहुंची है ते ये चिंता का विषय है। और इस विवाद के नाल तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब की मान मर्यादा भी वड्डी ढा लगी है। बोर्ड जो इस तख्त साहब का समुचा प्रबंध देखता है इस विवाद को हल करन दे विच पूरी तरह नाकामयाब रहा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब आ रहा है, लखां की तादाद विच संगतां तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब विखे नतमस्तक होंदियां ने। ऐसे समय यह विवाद जिहड़ा है होर चिंता का विषय है। इसलिए पाया गया है कि बोर्ड के जिहड़े मैंबर है अहुदियां दे लालच दे विच आप हुदरियां करन लगे हुए हैं। इसलिए फैसला किया है कि ये जिहड़ा बोर्ड है इस नूं श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते 21 मगर नानकशाही संमत 554 मुताबक 6 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते तलब किया जाता है। सारे बोर्ड के मैंबर इस दिन श्री अकाल तख्त साहब से हाज़र हो। जे कोई ना हाज़र होया जां किसी किस्म का कोई बहाना बनाने का यत्न किया तो उसके खिलाफ उस वक्त जिहड़ा है उत्थे मर्यादा मुताबक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, श्री अकाल तख्त साहब के अगले आदेश तक तख्त श्री हरिमंदर साहब जी पटना साहब के जथेदार वजों सिंह साहब ज्ञानी बलदेव सिंह पांच प्यारों की सहमति के नाल बतौर जथेदार सेवा निभाएंगे। फिलहाल रणजीत सिंह गौहर ते इकबाल सिंह जथेदार ये दोवें ही जिहड़े है इस सेवा तो दूर रहेंगे। और बोर्ड में यह भी आदेश दिता जाता है कि तुरंत इन दोवां पासों जिहड़ा है वह कंपलैक्स जिहड़ा वह खाली करवाया जाए ताकि अमन शांति जिहड़ी है उत्थे कायम रहे, किसी किस्म का कोई झगड़ा कलेश जिहड़ा वह पैदा ना हो। इन दोवां की सेवा के उत्ते फिलहाल जिहड़ी है वह रोक है। जथेदार ज्ञानी बलदेव सिंह जिहड़े है वह सेवा निभाउणगे अगले आदेश तक। एक महेंद्र सिंह ढिल्लों उन्होंने आदेश किया जाता है कि श्री अकाल तख्त साहब ते उस दिन अपनी प्रधानगी दे लई वह मैंबरां दा बहुमत सम्मत जिहड़ी है बहुसम्मति जिहड़ी है वह पेश करेगा। तो तीसरा, इंद्रजीत सिंह जिन्हों तख्त श्री हरिमंदर साहब जी के पांच प्यारे साहबान वालों तनखाइया करार दिता है वह अज शाम तक तुरंत तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब विखे पांच प्यारे साहबान के सन्मुख हाजिर होवे। जो उन्हें गलती की है उस गलती लई वह अपनी भुल बख्शावे। तो पांच प्यारे साहबान जिहड़े ने उन्होंने सन्मुख हाज़र हो के भुल बख्शा के फिर वो 6 दिसंबर मैंबर के नाल जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहब से पेश आने का अधिकारी जिहड़ा है वह होगा। इस श्री अकाल तख्त साहब वालों आदेश है। फिर कहा जाता है कि 6 दिसंबर 12 बजे समूह मौजूदा जिहड़े बोर्ड के मैंबर ने सारे के सारे श्री अकाल तख्त साहब से पेश हो। जे कोई ना पेश होया तो उस दिन ही उत्थे मर्यादा मुताबक जिहड़ी है उस ते कार्रवाई जिहड़ी है वह यकीनन होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।